नए और सुंदर दिन की शुरुआत के साथ आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शेप अप योर लाइफ पे। सिर्फ दो चीज़ें शेप में रहें तो पूरी लाइफ शेप में रहती है, एक है बॉडी, दूसरा है माइंड। बॉडी शेप में रहे तो हेल्थ अच्छी रहती है एंड माइंड शेप में रहे तो रिलेशंस अच्छे रहते हैं, और इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ज़िंदगी। चलिए रोज की तरह दिन की शुरुआत करते हैं बॉडी को फिट रखने से। सैटरडे है तो दिन है मेरा नॉर्मल वॉक का। वेडनेसडे भी मैं वॉक ही करती हूँ, लेकिन उस दिन मैं स्प्रिंट्स लगाती हूँ, पर आज नहीं। वॉक इज इजी एंड आल्सो इफेक्टिव वे टू लूज वेट एंड 1 आवर वॉक करने से 300 कैलोरीज बर्न होती हैं, और ये नीज के लिए भी सेफ है। आते ही देखा कि जैस्मिन स्किपिंग कर रही है, मींस मेरा रोज उसे पूछना कि वो एक्सरसाइज करना कब शुरू कर रही है शायद काम आ गया है। अभी के लिए वेट लूज करने के लिए मैंने उसे 3 वेज बताए हैं, एक है स्किपिंग, दूसरा है स्प्रिंट्स लगाना, और 3rd इज स्टेप अप्स। टाइमिंग वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खुद सेलेक्ट करेगी। ब्रेथ रेट हाई गया? फीलिंग गुड? ओके, 30 काउंट कर लेते हैं। 30 काउंट करो, देन स्टार्ट अगेन। ओके, आप एक पानी का सिप भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे पीना है, तो थोड़ा फील होता है। तो बॉडी को हाइड्रेट ही रखना है, डिहाइड्रेशन ओके डिहाइड्रेट नहीं होने देना बॉडी को। आज ब्रेकफास्ट में दही सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि वो सिर्फ बॉयल एग्स और मिल्क लेंगे, तो पहले उन्हीं के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, उसके बाद अपने और बच्चों के लिए बनाऊंगी। और ब्रेकफास्ट में उन्हें दे रही हूँ मैं 2 egg whites एंड 1 whole egg। आप सब जानना चाहते थे कि मैं दही सैंडविच कैसे बनाती हूँ, तो आज उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दही सैंडविच बनाने के लिए मैंने रात में ही दही को छन्नी में डाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए। इस तरह से दही काफ़ी थिक हो चुका होता है, उसके बाद अपनी पसंद की वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम बारीक कटी हुई, और साथ ही डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न आपको फ्रोज़न मिल जाते हैं, थोड़े से आप हॉट वाटर में इसको डालें तो ये रेडी टू ईट होते हैं। साथ ही मैंने डाली है बारीक कटी हुई गाजर। अब इसमें हम ग्रीन चिली डाल रही हूँ मैं, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप डाल दें, मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, साथ ही डालूँगी चाट मसाला, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अब, और ब्रेड स्लाइस पे लगा के इसको साइड रखते जाएंगे। सैंडविच में सैंडविच मेकर में भी बना लेती हूँ, और तवे के ऊपर भी। तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया है, और साथ ही उसमें डाले हैं सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स। इनको थोड़ा सा हम फैला देंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम सैंडविचेस रखते जाएंगे। इन सैंडविचेस की न्यूट्रिशन वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनमें वेजिटेबल्स के साथ साथ दही ऐड किया है। दही एक प्रोबायोटिक है, अगर हम मेयोनीज ऐड करते हैं तो मेयोनीज एक फैट की फॉर्म में आता है। Thank you.
सैंडविचेस के साथ साथ बच्चों के लिए दूध रेडी कर रही हूँ और अपने लिए रेडी कर रही हूँ कॉफ़ी। तो अपनी कॉफ़ी बनाते वक्त उसमें पानी ज़्यादा ऐड करती हूँ, दूध कम डालती हूँ, और बच्चों के दूध में ऐड कर रही हूँ जैगरी पाउडर। कभी प्रोटीन पाउडर डालती हूँ तो कभी जैगरी पाउडर, और कोई फ्लेवर में ऐड नहीं करती हूँ। और अपनी कॉफ़ी में दूध कम डालने का रीज़न ये होता है कि कॉफ़ी से मिलने वाली एनर्जी मेरी सेम रहे और कैलोरी काउंटर कम हो। ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों को बोलने गई तो देखा कि उदय महाशया जी आज अपना टॉय एरिया क्लीन कर रहे हैं। लास्ट वीक की बात है, जब हम लोग मूवी देखने गए थे तो ये मुझे हैमलेज ले गया था, कहा कि मम्मा वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं और गेम्स हैं, मुझे एक ले दो। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि पहले अपना टॉय एरिया क्लीन करो, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको साइड रखो ताकि हम किसी को डोनेट कर सकें, कोई और बच्चा खेलेगा उनके साथ। तो आज ये एरिया क्लीन किया जा रहा है ताकि उसे नई गेम मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिताशी का एक कंप्यूटर है। जैस्मिन बहुत छोटी थी, शायद सेकंड और थर्ड क्लास में, तब से ही उसके पास है। वो अपनी चीज़ों के साथ बहुत इमोशनली अटैच होती है, यूज़ नहीं कर रही है लेकिन किसी को देने भी नहीं देती है। और ये है मैडम का 5 rooms वाला डॉल हाउस, जिसमें डॉल के साथ साथ बाकी का सामान भी पड़ा रहता है। शी इज़ अ कॉलेज गोइंग गर्ल नाउ, लेकिन अभी भी इस चीज़ के साथ वो इतनी ज़्यादा अटैच्ड है कि किसी को डोनेट करने नहीं देती। ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा था तो आई सजेस्ट कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपना अपना काम करते हैं। मम्मा पापा आउट ऑफ द स्टेशन हैं, हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अपना पेंडिंग काम ख़त्म करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले मैं सारे बर्तन क्लीन करूंगी, उसके बाद किचन क्लीन करूंगी, उसके बाद ही घर का कोई दूसरा एरिया साफ करूंगी। मेरी डेली किचन क्लीनिंग रूटीन क्या है उसका एक पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और किचन को क्लीन करने के लिए क्लीनर मैंने कैसे बनाया है वो भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। किचन क्लीन करने के बाद मैं करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट डस्टिंग और करूंगी एक वॉशरूम क्लीन, उसके बाद शावर लेने जाऊंगी। पूरे घर की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूं डेली उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप देख सकते हैं। वाओ, आज कपड़े रखे जा रहे हैं। हाँ, याद आ गई आज तुम्हें, कितने सारे कपड़े हैं जैस्मिन तुम्हारे पास। मामा, I have no clothes, okay? Please don't show my wardrobe. सबसे ज्यादा कपड़े और सबसे ज्यादा फुटवेयर जैस्मिन के पास हैं और हमेशा इसी की कंप्लेंट होती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। जिनको आप बता रहे हो ना उनके पास भी कपड़े नहीं है, उनको पूछ लो। सीरियसली? हाँ सीरियसली, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम दुनिया की हर लेडी की है कि उसके पास अलमीरा में जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए और फिर भी उसके पास कपड़े नहीं है। लंच में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल आलू गोभी की सब्जी। जितनी गोभी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने काट ली है, उसके अलावा जो बची है उसे क्लिंग रैप में रैप करके मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि वो तब तक सेफ रहे जब तक मैं उसे नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ नहीं करती।
गोभी को क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए सबसे पहले उसे नमक और हल्दी के पानी में थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेती हूँ। तड़का लगाने के लिए तीन चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, एक तो सूखी लाल मिर्च, दो तीन लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, साथ ही कड़ी पत्ता और एक है राई। ये तीनों चीज़ें मैं तड़के में ज़रूर डालती हूँ और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा, धनिया पाउडर और अब डाल दूंगी इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। जब तक प्याज ब्राउन होगा तब तक मैं लौकी को क्रश कर लूंगी रायते के लिए। प्याज हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही सॉल्ट, हल्दी पाउडर और साथ ही डाल रही हूँ मैं टमाटोज, कटे हुए आलू और उसके 5 मिनट बाद मैं गोभी भी ऐड कर दूंगी। और दूध रेडी करने के लिए रख दिया है, हस्बैंड ने ऑफिस लेके जाना है और इधर मेरी गोभी भी रेडी हो गई है और साथ ही रायते के लिए यहाँ पे घिया बॉयल हो रहा है। रायता बनाने के लिए मिक्सर में डाला है कुछ पुदीने की पत्तियां और साथ ही ग्रीन चिल्ली, इसको मैं ग्राइंड करके ही रायते में डालती हूँ। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लूंगी, उसके बाद उसमें ऐड करूंगी बॉयल की हुई लौकी और साथ ही डाल दूंगी इसमें पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट, सॉल्ट, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और रायता रेडी है। और आज का पूरा लंच मेरा रेडी है। एक वीडियो में पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड 12 से 12:30 बजे के बीच में लंच करके निकल जाते हैं और उसके बाद 4 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। सिर्फ 1-1.5 बजे मुझे लंच करने के लिए नीचे आना होता है, उसके अलावा मैं अपना रिलैक्स करती हूँ, सोना है तो थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, न्यूज़पेपर रीड करना हो या कोई बुक रीड करना हो तो वो पूरा टाइम जो है मेरे अपने लिए होता है, मैं उसको पूरा इन्जॉय करती हूँ। आज का फ्री टाइम जो है वो मेरा अपना नहीं बच्चों के लिए है। बच्चों का ऑफ होता है तो फुल टू मस्ती चालू रहती है। गीज़र ऑन कर दिया है बर्तन साफ करने के लिए, जब तक हम लोग लंच करेंगे तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। लंच करने के बाद 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा मुझे बर्तन साफ़ करने में, बर्तन साफ़ करूंगी, किचन क्लीन करूंगी और उसके बाद 1 घंटे का नैप लूंगी। लंच डन, बर्तन डन और चिकन मैंने निकाल के रख दिया है डिप करके पानी में, रात को बनाऊंगी बटर चिकन। शाम का वक्त है, बच्चों को शेक दे दिया है और खुद ग्रीन टी ले चुकी हूँ और कोई मौका जाने नहीं देती हूँ वीकेंड से बच्चों से हेल्प लेने का। और जैस्मिन हेल्प कर रही है मेरी डिनर बनाने में, प्याज और टोमेटोज कट कर दिए हैं उसने और उदय महाशया जी इधर टेबल साफ कर रहे हैं डिनर के लिए और साथ ही स्पून सेट कर रहे हैं। बटर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने 1 किलो के अराउंड बोनलेस चिकन लिया है, उसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। इसको 15 से 20 मिनट तक हम साइड रख देंगे और तड़के के लिए तेल में डालेंगे थोड़े से तेज पत्ता और साथ ही छोटी इलायची क्रश करके। अब इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी देर तक इसको भूनूंगी। जब तक ये प्याज भुनेगा तब तक मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके जो चिकन पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे हैं उनको मैं रोस्ट कर लूंगी। प्याज थोड़ा भुन गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 टमाटोज कटे हुए और साथ ही ऐड कर रही हूँ काजू। सारे चिकन पीसेस को हम पलट पलट के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे।
तड़के में डाल रही हूँ सॉल्ट, हल्दी पाउडर, साथ ही रेड चिली पाउडर। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें, क्योंकि मैरिनेशन में भी हम पहले सॉल्ट डाल चुके हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि टोमेटोज अच्छे से गल जाएँ। 5-7 मिनट तक टोमेटोज को अच्छे से गलने दें, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। और अब मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे मेयोनीज सैलेड। मेयोनीज थोड़ी हैवी होती है, फैट होता है इसमें, लेकिन सैटरडे है तो चलता है। और मेयोनीज में मैंने ऐड किया है कैबेज के पत्ते, और साथ ही ऐड कर रही हूँ कुछ गाजर। सॉल्ट डालूंगी, ब्लैक पेपर डालूंगी और चाट मसाला, और ये सैलेड भी रेडी है। और प्याज टमाटर को ग्राइंड करके हमने एक प्यूरी रेडी कर ली है इसकी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर और साथ ही चिकन के पीसेस। ये चिकन इतना टेस्टी बनेगा, आप एक बार खा के देखिएगा। और साथ ही ऐड कर रही हूँ इसमें कसूरी मेथी। क्रीम ऐड कर सकते हैं आप, फैंट के मलाई ऐड कर सकते हैं। तो बस ये चिकन रेडी है। हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, अब उनकी बारी है फ्रूट रेडी करने की। तो वो यहाँ पे ऑरेंजेस पील कर रहे हैं, और सैटरडे नाइट का फुल डिनर हमारा रेडी है। और सैटरडे नाइट के स्पेशल डिनर के साथ आज हम देखेंगे जुमानजी पार्ट 2। मेरा आज का पूरा दिन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। जब भी चिकन बना होता है तो जैस्मिन हमेशा इस वाली कटोरी में खाना खाती है। मतलब ये हमारे घर की सबसे बड़ी कटोरी है। कटोरी कटोरा या इट इज कटोरा एक्चुअली।